कहते हैं जो लोग अपना सफर नीचे से शुरू करते हैं वो काफी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में एक छोटे मोटे मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज की डेट में एक ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनके कान फिल्म फेस्टिवल में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन फिल्में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। बकौल नवाजुद्दीन वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना के एक किसान परिवार से हैं और क्योंकि वो खेती नहीं करना चाहते थे इसीलिए वो दिल्ली चले आए। जिंदगी चलाने का जरिया चाहिए था तो उन्होंने चौकीदारी तक का काम भी किया, लेकिन उनके अंदर कुछ क्रिएटिव करने की भूख थी और कुछ दिखाने का जज्बा भी था। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और 1996 में वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले। दिल्ली में नवाजुद्दीन ने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ काम किया जहाँ उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे धुरंधर कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से उनके असली संघर्ष की दास्तान शुरू हुई क्योंकि उसके बाद वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चले आए और यहाँ पर लगातार रिजेक्शन का दौर जारी रहा। उस दौरान उनके साथ मुंबई आए उनके सभी दोस्त निराश होकर अपने घर लौट गए, लेकिन वो डटे रहे। 39 वर्षीय नवाजुद्दीन को 2012 में फिल्म तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 और कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। शांत और संकोची स्वभाव वाले नवाजुद्दीन स्क्रीन पर एकदम अलग किस्म के लगते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कहना है कि इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि नवाजुद्दीन स्टार नहीं बन सकते, मैं फिल्म बनाना चाहता था और वो फिल्मों में काम करना चाहते थे और वो एक बेहतरीन कलाकार हैं।